नारायण कॉलेज में हुआ अटल टी क्रिक लैब का उद्घाटन। नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स इटावा में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत अटल टी क्रिक लैब का उद्घाटन श्री राकेश वरिष्ठ सीओसीटी इटावा और श्री प्रशांत कुमार सिंह समाज कल्याण अधिकारी श्री नवरतन गौतम एसओ सिविल लाइंस इटावा के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर हरि किशोर तिवारी, मुख्य सलाहकार डॉक्टर श्वेता तिवारी, प्रधानाचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य आशा निकेतन फादर रोशन, प्रधानाचार्य सेंट पीटर्स फादर एंटोनी एवं प्रधानाचार्य उच्च शिक्षण संस्था श्री योगेश दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आज हम हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश हुई है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसकी लैब भी इस्टेब्लिश हुई, तो उसकी इनॉग्रल सेरेमनी थी, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इनॉग्रेशन श्री ओ शुटी साहब, राकेश वशिष्ठ जी और आपके जो है पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर प्रशांत सिंह जी, ये आए थे। इंजीनियर हरि किशोर तिवारी जी भी मौजूद रहे। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसी लैब है, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें बच्चे अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। टिंकरिंग का मतलब एक ऐसे चीज़ पे, एक ऐसे विषय पे काम करना जिसके बारे में आप स्किल्ड नहीं हैं और आप काम करते हैं, नयापन आता है, नई चीज़ प्रोड्यूस होती है। किसी चीज़ को फ्रैक्चर करना, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर नई चीज़ प्रोड्यूस करना, साइंटिफिक इनोवेशन करना, ये अटल टिंकरिंग लैब में आता है। मेरा तो ये फर्म बिलीफ रहा है कि सभी बच्चों में एक वैज्ञानिक प्रतिभा छिपी होती है, उसको एक सही मौके की, एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश होती है। तो वो सही प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देने का काम किया है कि इसमें बच्चों की जो छिपी हुई वैज्ञानिक प्रतिभा है उसको निखारा जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अटल टिंकरिंग लैब ये इस्टेब्लिशमेंट ये केवल नारायण कॉलेज के बच्चों के लिए ओपन नहीं, दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, जो इनोवेशंस है, उस पर ये